ना मैंने ये जो सोशल मीडिया के ऊपर में एक जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि जो काम थोड़ा गलत काम हुआ है वहाँ पर मैकेडम का, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये काम अक्टूबर के महीने में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑफिस है लेह में NHADCL का, उनकी तरफ से किया गया था। उस समय जब ये काम चल रहा था तो टेम्परेचर अचानक काफ़ी डिप हो गया था। वो एरिया जो गोमा कारिल का एरिया है जहाँ पर ये काम की बात हो रही है, बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, बहुत नैरो एरिया है और काम करते वक्त बहुत सारी मुश्किलात आई हमारे सामने में। देखिए, जब मैकेडम का काम होता है तो उसको जब नया मैकेडम डाला जाता है उसकी प्रॉपर रोलिंग होनी चाहिए। प्रॉपर रोलिंग होने के बाद कुछ समय के वक्फ़ा देने के बाद ही आपको ट्रैफिक अलाउ करना चाहिए, तब उसकी लाइफ रहती है। लेकिन जब ये काम चल रहा था तो वो इतना नैरो एरिया है कि वहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है आम जनता के पास ट्रैफिक को पास होने का, तो काम के साथ साथ ट्रैफिक भी पास हो रहा था जिसके कारण रोलिंग शायद पूरी तरह से नहीं हो पाई है। वहाँ पर करीब हमारे जो स्कोप का काम है, जो सैंक्शन है, वो करीब 3 किलोमीटर का है, उसमें से 1700 मीटर का काम किया गया था और ये जो पोर्शन दिखाया गया है ये करीब 150 मीटर है। और इस पोर्शन को हमारे संज्ञान में पहले ही आ चुका था कि ये काम ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर ठीक नहीं था, रोलिंग ठीक नहीं हो पाई थी, ट्रैफिक को हम रोक नहीं पाए थे। तो उस पोर्शन को हमने डिफेक्ट रिपोर्ट में ऑलरेडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने डाल रखा है और कॉन्ट्रैक्टर को भी इस चीज़ की कोई पेमेंट नहीं की गई है। जो भी पेमेंट रिलीज हुआ है वो सही काम के लिए हुआ है, गलत काम जो हमारे ऑलरेडी नॉलेज में आ चुका था उसका कोई पेमेंट नहीं किया गया है। अब क्योंकि इस मौसम में तो अब हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमने कॉन्ट्रैक्टर को यही कहा है कि अब अगला सीज़न जब वर्किंग सीज़न शुरू होगा तो वो पूरा हिस्सा रिले किया जाएगा, सही तरीके से रिले किया जाएगा और अभी के लिए जो उखड़ रहा है रोड उसको साफ़ करके अलग कर दिया जाए जिससे कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो काम का सैंक्शन हुआ था थोड़ा लेट हुआ था, हमारे को काम लेट शुरू हुआ तो जितना काम सही मौसम में होता उतना तो कवर कर लिया था। ये लास्ट में जब अक्टूबर के एंड में ये काम हुआ उस समय टेम्परेचर डिप हुआ था, जब हमने रियलाइज़ किया कि अब टेम्परेचर डिप हो रहा है और उस समय दिन के समय में तो काम कर नहीं पाते थे जब धूप होती थी, और रात को कोशिश की गई थी कि शायद उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, बहुत जो डिफ़िकल्ट एरिया है जहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, नैरो एरिया है वो रोड, वहाँ शायद रात को काम कर लें, पर टेम्परेचर डिप होने के कारण काम ठीक नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको रुकवा भी दिया था, पूरा काम उस एरिया में नहीं किया है, काम रुकवा करके बंद करवा दिया गया था। और जो ख़राब काम है उसको हम रेक्टिफाई अगले साल करेंगे। पेमेंट जैसे मैंने बताया रिलीज़ नहीं हुआ है और अगले, अब सिंस हमारे पास ऑलरेडी सैंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा इन प्लेस है, तो जब वर्किंग पीरियड आएगा नेक्स्ट, अच्छा सीज़न जब आएगा उस समय में ये पूरा काम ख़त्म किया जाएगा और सही तरीके से किया जाएगा। आपको नहीं लगता कि ऐसे काम जो अभी सीज़न ऑफ में किया जा रहा है, हाँ, जो कि अभी रिजल्ट आया कि कुछ ख़राब काम हो रहे हैं, मतलब टॉपिंग जो है सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो आपको पहले से ही जब रिपोर्ट मिला था उसी वक्त ही काम को बंद करना था ताकि इस तरह कुछ इश्यूज रेज ना हो? नहीं, जैसे ही ये काम का पता चला कि थोड़ा सा काम में दिक्कत आ रही है और गड़बड़ हो रहा है, टेम्परेचर हमको नहीं मिल पा रहा है, उसी समय काम बंद कर दिया गया था। इसलिए देखिएगा वहाँ का जो सैंक्शन था हमारे उस गोमा कारगिल का एरिया में 3 किलोमीटर का काम था उसको हमने पूरा काम नहीं किया है, हमने सिर्फ 1700 मीटर किया है। 1700 में से भी ये जो 150 मीटर है ख़राब है, इसको जब मैंने किया वहीं पर रुकवा दिया, जब ग्राउंड पे देखा हमारे ऑफिशियल्स ने, अफसरों ने, कि भाई काम ठीक नहीं हो पा रहा है और हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और ट्रैफिक भी रुक नहीं पा रहे हैं, तो हमने एक इमीडिएटली काम बंद कर दिया था कि अब इसको काम बंद कर दीजिए, अगले सीज़न में इसको अब टेकअप किया जाएगा। कि रोड उखड़ रही है और गुस्सा दिखाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि NHIDCL पूरी तरह से अच्छे काम के लिए, क्वालिटी वर्क के लिए कमिटेड है और लद्दाख की पॉपुलेशन के हित में काम किया जाएगा। कोई गलत काम होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जैसे इस केस में भी हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर के काम को हमने बिल में नहीं पेमेंट किया है, कोई मेजरमेंट नहीं की गई है, उसको डिफेक्ट रिपोर्ट में हमने डाला हुआ है ऑलरेडी हमारे रिकॉर्ड में, तो गलत काम नहीं करने दिया जाएगा। NHIDCL पूरी तरह से अच्छे काम के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, कारगिल की पॉपुलेशन के लिए कमिटेड है।